हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हमारा टच पैड लॉक हो गया है, यानी कि कर्सर मूव नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। विंडोज 10 पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम टच पैड इनेबल करेंगे बिना मतलब टच पैड का इस्तेमाल किए, क्योंकि हमारा टच पैड काम तो कर नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की मदद से इसको इनेबल करेंगे, ठीक है, बिना टच पैड को हाथ लगाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरा माउस लॉक है। अभी मैं यहाँ पे अपना माउस अगर मूव कर रहा हूँ तो माउस मूव नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कीबोर्ड में विंडो की के साथ आई बटन प्रेस करना है। तो आप देखेंगे सेटिंग का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें टैब बटन प्रेस करना है, तो आप देखेंगे सिस्टम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें राइट एरो प्रेस करना है, तो जो सिस्टम का सिलेक्शन है वो उठ करके डिवाइस पे आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल डिवाइस सेलेक्ट हो गया है, अभी तक मैंने हर जगह कीबोर्ड ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो डिवाइस का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से टैब प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम डाउन एरो प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे और फिर प्रेस करेंगे और टच पैड तक जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं टच पैड सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम वापस से इंटर पर प्रेस करेंगे, तो टच पैड से रिलेटेड जो भी सेटिंग थी वो राइट साइड में दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर टच पैड ऑफ दिखा रहा है, इसी को हमें ऑन करना है। अच्छा, ऑन करेंगे कैसे, क्योंकि हम अपना टच पैड तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, हम अभी कीबोर्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वापस से टैब बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे टच पैड सेलेक्ट हो गया है। अब बस बहुत आसान है, आपको स्पेस वाला जो कीबोर्ड में बटन होता है उसको दबा देना है, और ये देखिए ऑन हो गया। अब आप अपना माउस यहाँ से मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो टच पैड लॉक हो गया था उसको आप वापस से ऑन कर सकते हैं, ठीक है।